किरचॉफ लॉ दो लॉज हैं ये, पहला फर्स्ट लॉ फिर सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इन इज अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन, बस सिंपली ये कहता है जी चार्ज कंजर्व रहेगा, ये उड़ के नहीं जाएगा कैपेसिटर में से, कैपेसिटर के बीच में से रहेगा। ये हो सकता है कि एक कैपेसिटर की प्लेट से दूसरी कैपेसिटर की प्लेट में चला जाए, लेकिन टोटल चार्ज रहेगा सर्किट के अंदर ही। इसको समझने के लिए जैसे ही एक डायग्राम है, इस डायग्राम में पांच कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और एक बैटरी। इसके ऊपर मान लो मुझे चार्जेस निकालने हैं कैपेसिटर के ऊपर। अब देखो ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में, क्वेश्चन कैसे आएंगे बाद में सीखेंगे, पहले लॉ क्या है उसको सीखेंगे। इसके अंदर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो जहां जहां इसने कैपेसिटर की प्लेट्स को टच किया वहां पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसने जहां जहां टच किया नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव ही आएगा। ठीक हो गया। तो जैसे यहां पर प्लस है, तो ये मान लो प्लस C1 ने यहां चार्ज कितना लिया, प्लस Q1, ये प्लस Q2, तो बाय इंडक्शन माइनस Q2 माइनस Q1। चलिए यहां पर माइनस है तो माइनस Q3 माइनस Q4, बाय इंडक्शन प्लस Q3 प्लस Q4। सही हो गया, कुछ भी एज्यूम कर लिया, एज्यूम तो Q1 Q2 Q3 कुछ भी करो, पर ये गलती मत करना कि ये माइनस लगा दिया प्लस का, भी गड़बड़ हो जाएगी। प्लस माइनस बड़े ध्यान से लगाने हैं, वो बैटरी डिसाइड करेगी कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो बैटरी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, बैटरी यहाँ से नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव, फिर बैटरी का ये टर्मिनल, ये वाला प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, राइट। और ये रहा कैपेसिटर C5। अब C5 की डिसीजन कैसे लें कि ये पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो देखो इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपस में तीनों प्लेट्स कनेक्टेड है, चार्ज रहेगा तो तीन प्लेट्स के बीच में ही, वायर के थ्रू जहां भी जाएगा रहेगा तो इन तीनों प्लेटों के बीच में, और तो कहीं जाएगा नहीं। तो मान लो ये Q5 चार्ज है, ये आपकी मर्जी है कि यहाँ पर माइनस Q5 लगाना है या प्लस Q5 लगाना है, कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी लगा दो, क्योंकि टोटल चार्ज का सम तो सेम ही रहने वाला है। तो जहां जहां बैटरी डिसाइड कर पा रही है वहां बैटरी से डिसाइड करवाओ, जहां ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर जैसे मान लो ये माइनस है ये प्लस Q3 है, तो मैंने ये प्लस Q5 लिया, ये माइनस Q5 हो गया। अब उल्टा भी कर सकते हो, ये माइनस Q5 ये प्लस Q5, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब इसके अंदर आपको ढूंढना होता है फर्स्ट लॉ में आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आइसोलेटेड है। जैसे ये प्लेट कहीं ना कहीं बैटरी के साथ कनेक्टेड मिलेगी, ये प्लेट भी घूम के बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट्स भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये जो जंक्शन है इससे एक प्लेट ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्ट, आपस में तीनों प्लेट्स कनेक्टेड है लेकिन बैटरी के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं तीनों में से। तो ये तीन प्लेट्स का सिस्टम जो डॉटेड सिस्टम है इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो चेक कर लो, तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है जंक्शन के साथ आपस में, लेकिन बैटरी के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है। दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम अगर ढूंढना चाहो तो मिल सकता है, इसमें एक और आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देख रहे हो, ये प्लेट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट देख रहे हो। क्योंकि अगर मैंने Q4 को ले लिया, माइनस Q4 लिया, तो वो ना बैटरी के साथ कनेक्टेड, ये आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता। जो प्लेट बैटरी को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टच कर रही है, देखो वो तो आइसोलेटेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो दो आइसोलेटेड है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो लॉ ये कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। मतलब यहां पे इस प्लेट का चार्ज कितना है, माइनस Q1, इस प्लेट का चार्ज कितना है, प्लस Q3, और इस प्लेट का चार्ज कितना है, प्लस Q5। इनका सम जीरो होगा, वो तो बिल्कुल जीरो होगा ही, क्योंकि चार्जेस बैटरी ने प्रोड्यूस किए, यहां यहां और यहां के कैपेसिटर आपस में वायर से कनेक्टेड हैं, तो चार्ज पहले न्यूट्रल ही थे, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नेट चार्ज तो पहले भी जीरो था अब भी जीरो ही है। तो जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम में एक चार्ज है माइनस Q5, एक चार्ज है प्लस Q4 और एक चार्ज है माइनस कितना, माइनस Q2, इनका सम इक्वल टू जीरो। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्लियर है, आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढ लो। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सिस्टम मिलते नहीं है वैसे,
एक आदमी मिलता है जंक्शन के आसपास, बाकी कहीं नहीं मिलते, जंक्शन और जंक्शन के आसपास मिलते हैं, तो नेट चार्ज का सम हमेशा जीरो। तो क्या ये रूल क्लियर है यहाँ तक? ये पहला आइसोलेटेड सिस्टम है और लॉ ये कहता है कि नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? जो दूसरा लॉ है इसके अंदर ये बताया गया है, ये तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, वो किताबी लैंग्वेज लिख तो दी मैंने, एक लाइन में लिखूंगा सिर्फ। सेकेंड लॉ को का दूसरा नाम लूप लॉ भी है, क्योंकि ये लॉ एक क्लोज्ड लूप के अंदर लगता है, क्लोज लूप में लगेगा। क्लोज लूप क्या है बताता हूं। ये लॉ कहता है इन अ क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बस ये लिख लो, बात खत्म। बस ये पूरी डेफिनेशन का ये लिख लो, एक ही बात है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू जीरो। लगा के दिखाता हूं कैसे। ठीक, तो हमने शॉर्टकट लिखना है, ये लिख लो, बस सिंपल है, इतनी दो लाइनें समझा देंगे लूप लॉ क्या है। देखो इसी डायग्राम में वापस चलते हैं और लूप ढूंढते हैं, इसमें लूप कौन सी है। देखो क्लोज लूप कौन सी है, कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर इसमें क्लोज लूप कौन सी है, तो मैंने कहा देख अगर तू यहां से स्टार्ट हो और यहां पे वापस आ जाए, एक क्लोज लूप है, लूप नंबर वन। कोई कहता है कोई और लूप दिखाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ वापस आ जाओ, दूसरी लूप है। कोई कहता है कोई और दिखाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ लंबे रूट से घूम के वापस आ जाओ, ये भी लूप है। कोई कहता और दिखाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ इधर जाओ नीचे से घूम के वापस आ जाओ, क्लोज लूप है। जो मर्जी जो मन में आए क्लोज लूप ले लो। ठीक है यहां तक? तो तुम कोई भी क्लोज लूप लो। चलो मैंने ये ली, मैं यहां से जाऊंगा, ये रास्ता पकड़ूंगा, ये रास्ते से होते हुए यहां से होते हुए इधर से होते हुए इधर अब वापस आऊंगा। तो स्टार्ट करूं क्लोज लूप में, जब मैं मान लो क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तुम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो जब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो रास्ते में कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर की प्लेट पे Q1 चार्ज है, कैपेसिटी C1 है, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q1 बाय C1, क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर रास्ते में आया कितना है, Q1 बाय C1। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बड़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको क्रॉस कर रहे थे तो पहली प्लेट क्या थी पॉजिटिव, दूसरी प्लेट क्या थी नेगेटिव। तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का लो होता है। यू आर मूविंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में आपका पोटेंशियल हाई से लो जा रहा है, घट रहा है। घटने के लिए साइन लगता है नेगेटिव, बढ़ने के लिए साइन लगता है पॉजिटिव। फिर देखो जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो, आपका पोटेंशियल पॉजिटिव हाई है नेगेटिव लो है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो, ज्यादा से कम पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो आपका पोटेंशियल घट रहा है माइनस। फिर चलो आगे, फिर कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर की कौन सी प्लेट आ गई प्लस की पॉजिटिव प्लेट। फिर आप कहां पर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे, तो फिर से आप प्लस से माइनस पे जा रहे हो, आपका पोटेंशियल घट रहा है, प्लस से माइनस पे घटेगा, तो माइनस Q3 बाय C3। फिर उसके बाद आ गई बैटरी, घूमते हुए बैटरी का पहले रास्ते में कौन सा टर्मिनल आया माइनस, माइनस से कहां पे आ रहे हो प्लस, पोटेंशियल माइनस से प्लस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस V, और लूप कंप्लीट हो गया इक्वल टू जीरो, डन। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। फिर लगाते हैं, फिर देखो सपोज इस बार ये लूप ले लो, चलो यहां से शुरू करते हैं। बोलो कैपेसिटर का पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने पे पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस Q1 बाय C1। फिर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए, पोटेंशियल घट रहा है, Q5 बाय C5। फिर इधर माइनस से प्लस पे गए, इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस Q2 बाय C2। लूप कंप्लीट हो गया, नेट आंसर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक, चलो
अब फिर लगाओ, इस बार ये लगाओ, ये लो, चलो स्टार्ट करो। बोलो प्लस से माइनस पे जा रहे हो, बोलो क्या? माइनस क्यू थ्री बाय सी थ्री, फिर आप माइनस से प्लस पे आ रहे हो, प्लस क्यू फोर बाय सी फोर, फिर आप माइनस से प्लस पे जा रहे हो, प्लस क्यू फाइव बाय मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लग गया किरचॉफ लॉ, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब यूज कैसे करना है कि न्यूमेरिकल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेंस और नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन, याद रखना फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्व करता है, फिर किरचॉफ का सेकेंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद, किरचॉफ का सेकेंड लॉ नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन जूल में होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन करता है, तो सेकेंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन, सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है यहां तक? ये मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये देखो क्वेश्चन है, देखो देखने में क्वेश्चन में को वो बोलेगा थोड़ी ना किरचॉफ लॉ लगा लो, तुम्हें हिंट तो ना देगा, ये तो तुम्हारा एक नया टूल है, तुम्हें लगता है तुम लगाओ, नहीं लगता तुम ऐसे सॉल्व कर दो। जैसे ये तीन कैपेसिटर्स हैं और दो बैटरीज हैं, हर कैपेसिटर पे चार्ज बोलो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बिना किरचॉफ लॉ के करो या किरचॉफ लॉ के साथ करो, तुम्हारी मर्जी है, बिना किरचॉफ लॉ के तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें ये कैपेसिटर्स ना तो सीरीज में मिलेंगे ना पैरेलल में मिलेंगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऊपर से दो बैटरीज तो तुम्हें सॉल्व करनी आती नहीं है। अच्छा, प्रूव कर सकते हो सीरीज पैरेलल? करो, कर दो, कर दो, वी वन वी टू से प्रूव करके दिखाओ, नहीं होएगा। होता तो सच बता रहा हूं मैं, अगर ये होता ना, मैं आपको कभी किरचॉफ लॉ में पढ़ाता। अच्छा, अगर होता तो किरचॉफ इतना बड़ा मुसीबत खड़ा करके जाता ही ना, वो कहता जी ऐसे कर लेना सॉल्व, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, फंसने तो वाले ही हो पक्का। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब किरचॉफ लॉ ना लोग अवॉइड करते हैं, ये इरिटेट करता है। क्यों इरिटेट करता है? लंबा काम है। देखो क्यों लंबा है, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, तुम्हें चार्ज निकालना है। देखो चार्ज कैसे होएगा, पहला पॉइंट देखो, इसमें ना प्लस माइनस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो मेरे को भी पता है यार, यहाँ चार्ज क्यों आना, यहाँ क्यू टू, यहाँ क्यू थ्री, इसमें क्या बड़ी बात है, पर कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव प्लेट यहाँ क्या देगी? पॉजिटिव, तो यहाँ प्लेट क्या होगी? नेगेटिव, तो चार्ज मान लो क्यू वन, क्यू वन है। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये प्लेट क्या होगी? पॉजिटिव, और ये क्या होगी? नेगेटिव, क्यू टू माइनस क्यू टू, ये भी हो गया। नेगेटिव नेगेटिव प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये प्लेट क्या होगी? नेगेटिव माइनस क्यू थ्री, तो ये क्या होगी? प्लस क्यू थ्री। कोई डाउट इसमें? वो तो मुझे भी पता है कि इसके अंदर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री करना है, पर इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो पहला रूल क्लियर है पॉजिटिव नेगेटिव का। अब आपको क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री निकालना है। मैथ ये कहता है आपको कुल मिला के तीन इक्वेशन चाहिए क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की, ताकि आप सॉल्व करके आंसर निकाल लें। पहली क्वेश्चन आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये जो जंक्शन के पास तीन प्लेटें देख रहे हो, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो पहला लॉ क्या कहता है? माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री का सम इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। क्या इक्वेशन में वन क्लियर है? ठीक है। दूसरी, आप इसमें एक क्लोज लूप ले लें, चलो ये लूप ले लो, ये लूप ले लो। इस लूप के अंदर क्या करेंगे? देखो इस लूप में मैं राइट चलता हूँ, जब मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस क्यू वन बाई, इसकी कैपेसिटेंस टू है, माइनस क्यू वन बाई टू। जब मैं यहाँ से घूमता हुआ प्लस क्यू थ्री पे माइनस क्यू थ्री पे आ रहा हूँ पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस क्यू थ्री बाई सिक्स। और जब रास्ते में बैटरी आ गई माइनस से प्लस पोटेंशियल बढ़ रहा है, प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक और इक्वेशन आ गई, तो दूसरी क्वेश्चन भी तैयार हो गई। तीसरा लूप, तीसरा लूप ये ले लो, यहां से चलते हैं घूम के वापस आते हैं, ये लो, जब मैं राइट जा रहा हूं माइनस से प्लस जा रहा हूं,
तो माइनस से प्लस में प्लस क्यू टू बाई फोर इसकी कैपेसिटेंस फोर है। जब मैं प्लस से माइनस पे आ रहा हूँ पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस 20, और जब मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है प्लस क्यू थ्री बाई सिक्स इक्वल टू जीरो। तीन इक्वेशनें हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये क्यों लोगों को बुरा लगता है अब फील कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो चार्ज डिसाइड करो, हल्का सा चार्ज भी गलत डिसाइड हो गया तो क्वेश्चन पक्का गलत है। चलो चार्ज भी बना दिया, फिर तीन इक्वेशन बनाओ, लूप लगाओ दो दो, जंक्शन ढूंढो, आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढो, फिर करने के बाद लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व भी करो। बंदा कहता है मैं सीरीज पैरेलल से कर लूँगा, बस ये समस्या है इसकी। बट कभी कभी फायदे की चीज़ भी है, दिखाता हूँ कैसे। किरचॉफ लॉ यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कोई कहता है जी जहाँ दो बैटरीज हैं, क्योंकि वो नॉर्मल हम तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, किरचॉफ सॉल्व कर पाएगा। किरचॉफ लॉ आप किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी कर दो चलेगा, पर लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम कहोगे सीधे रास्ते से होता है तो मैं क्यों करूँ किरचॉफ लॉ से। पर ये मना नहीं करता, ये तो किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा, हम नहीं लगाएंगे। अब हम फंस चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए हमें सीखना पड़ा, नहीं तो हम कभी ना सीखते। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक किरचॉफ की एप्लीकेशन क्या है। हाँ ये बात सही है, जहाँ दो बैटरीज हैं वहाँ किरचॉफ लॉ से सॉल्व होगा ही होगा, पक्की बात है। एक बैटरी तो फिर भी मैनेज कर लोगे सीरीज पैरेलल में, दो बैटरी का कोई इलाज नहीं है, किरचॉफ लॉ है। जैसे ये क्वेश्चन है, लो ये क्वेश्चन है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ना आपको दो बैटरीज दिख रही हैं, E1 एंड E2, E1 E2 बैटरीज हैं। इसके अंदर आपको दो कैपेसिटर दिख रहे हैं C1 एंड C2, आपको इसमें ये निकालना है, और E2 ग्रेटर देन E1 दिया हुआ है, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों कैपेसिटर्स के बीच में। अगर तुम मुझे इस पर चार्ज बता दो तो मैं Q/C1 से आंसर निकाल दूंगा, तुम यहाँ पे चार्ज बता दो मैं Q/C2 से आंसर निकाल दूंगा। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज। एक वायर के अंदर बैटरीज भी लगी हुई हैं और कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, तो दीज आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज में है, एक ही वायर में ना, जंक्शन तो है ही नहीं कहीं पर भी, पूरी तार घूमी हुई है। तो चार्ज इस पे और इस पे बराबर आएगा, ठीक हो गया। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। देखो ये बैटरी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करती है, बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल इसको इंस्ट्रक्शन देता है भाई तू पॉजिटिव हो जा, क्योंकि मैं पॉजिटिव तू पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर दे। लेकिन ये बैटरी कहती है देख मैं ये पॉजिटिव हूँ, तो ये वाली प्लेट को इंस्ट्रक्शन देती है तू पॉजिटिव हो जा। अब झगड़ा हो गया, क्योंकि ये बैटरी चाहती है ये पॉजिटिव हो, ये बैटरी चाहती है ये पॉजिटिव हो, फैसला कौन करेगा, बड़ी बैटरी, बड़ा भाई फैसला करेगा। तो एक बड़ा एक छोटा, वो कहता है ठीक है मेरी सुनी जाएगी, तो बड़े के हिसाब से अपना आंसर शुरू करो, तो इसके हिसाब से करो, इसकी मान इसको मानना पड़ा, तो ये प्लस, तो बाय इंडक्शन ये नेगेटिव होना पड़ा, फिर ऐसी ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक हो गया, फैसला हो गया आपको कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बड़े के हिसाब से फैसला करना है, छोटी की देखनी नहीं है। आगे लूप घुमाओ, पूरा एक लूप घुमा दो, ये देखो कैसे, यहां से स्टार्ट हो गए राइट, चलो बोलो माइनस से प्लस जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ेगा प्लस क्यू बाई सी वन, रास्ते में बैटरी का प्लस से माइनस आ गया तो माइनस ई टू, फिर माइनस से प्लस आ गया तो प्लस क्यू बाई सी टू, फिर माइनस से प्लस आ गया प्लस E1 इक्वल टू जीरो। एक बारी में लूप घुमाया, चार्ज कॉमन आया, ये लो चार्ज की वैल्यू आ गई, कुछ किया ही नहीं, दो क्या चार बैटरी लगा दोगे एक सेकेंड में चार्ज बाहर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में तो जब मल्टीपल बैटरीज हैं किरचॉफ लॉ ही लगाना चाहिए, एक सेकंड में चार्ज आता है। तो समझ में आया, चार्ज आ गया,
पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्यू बाई सी वन, इसका क्यू बाई सी टू, क्यू बाई सी वन। तो क्यू तो पता ही है पूरे का पूरा, पुट करके डिवाइड बाई सी वन आंसर, ऐसी क्यू पता है डिवाइड बाई सी टू आंसर, आंसर आ गए। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लॉजिक लगाना है इसमें।